हेलो गाइस, वेलकम टू फिजिक्स मैट इजी ओडिशा। तो ए भिडियो मुझे सीएचएससी 2020 फिजिक्स एग्जाम जो होता तार वन मार्क आंसर खाली नहीं आसी, तो मुझे देवी सॉल्यूशन वीडियो। तो खाली मैं आंसर अपलोड कर दूँगी कारण मुझे बाहर अच्छी टी खाली क्वेश्चन एवं मुझे जेरोक्स करके आनली। तो देखो वन आवर बी ए जो अच्छी दि ग्राफ बिटवीन कट ऑफ पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इन फोटो इफेक्ट थी। तो यहाँ ऑप्शन बी एप्रोप्रिएट आंसर लगुच, ऑप्शन बी ए स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन, कारण ओरिजिन देखिए पास कैनि, तो ऑप्शन बी मारंतु। देन बी रे दि मॉड्युलेशन यूज इन टीवी ट्रांसमिशन इज, ये कन्फ्यूजन अच्छे कारण टीवी ट्रांसमिशन दुई प्रकार हुए, विजुअल एंड ऑडियो। तो विजुअल जानते आपर एम्पलीट्यूड मॉड्युलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्युलेशन एफएम रे ऑडियो ट्रांसमिशन है, तो बोथ आर रेस्पॉन्सिबल फॉर टीवी ट्रांसमिशन। कितु आउट अच्छी बीएसपी ट्रांसमिशन जहाद्वारा होता है मॉड्युलेशन जहाद्वारा टीवी ट्रांसमिशन है। तो नॉन ऑफ द एबव आंसर मत लगुच, नॉन ऑफ द एबव आईबी। तो आपने मत कमेंट करके कहे एप्रोप्रिएट आंसर विथ प्रूफ, तो मत नॉन ऑफ द एबव लगुच कारण बोथ हुए, तो गोटे गोटे से नॉन ऑफ द बीएसपी मॉड्युलेशन गोटे अच्छी। दि इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन दि टू चार्जेस डिस्टेंस आर दी एपार्ट इन वैक्यूम जे एफ दी फर्स्ट बिटवीन दि सेम चार्जेस डिस्टेंस आर बाय टू ही होती। देन मीडियम डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट टू दी, तो टू डे बाय टू हो फोर प्रूफ पड़ेगा टू एफ। तो सी ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर, टू एफ मार्क करूँ। जानते देन एट गोटे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू द डाइपोल एट एन एक्सियल टू द इक्वेटोरियल लाइन, एक्सियल लाइन टू इंटू इक्वेटोरियल वे, सो एक्सियल बाय इक्वेटोरियल हो टू इज टू वन। तो टू इज टू वन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन टू इज द करेक्ट आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे जेरोस कर पार नी, तो मुझे लिखिक आनी, तो आप देखुची। तो एक नंबर ए ईर क्वेश्चन था, देखो ए बी सी डी दि शेप ऑफ द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रिंग करंट करेन्ट जो वेयर अच्छे तरह एमती सर्कुल था, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स सर्कुलर ही, तो सर्कुलर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन टू रही सर्कुलर, शायद के साइड भी मुझे जानना ठीक से। दि रेंज इन व्हिच द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ द वेवलेंथ 3000 आर्मस्ट्रॉन्ग लाइज, तो 3 × 10⁻¹⁰ 3 × 100 हो जाए, तो 3 × 10⁻³, तो 10 अच्छे 3 × 10⁻⁷, तो 10⁻⁷ रेंज है अल्ट्रा वायलेट रीजन। एक्सरे भी 10⁻⁷ 10⁻⁹, कि 10⁻⁵ 10⁻⁷ बनते एक्सरे अल्ट्रा वायलेट रीजन ही रुए, कारण ऑप्शन ही अल्ट्रा वायलेट एक्सरेज ना, तो अल्ट्रा वायलेट रीजन द करेक्ट आंसर, अल्ट्रा वायलेट रीजन, ठीक अच्छे। देन आपको ए पी टाइप सेमिकंडक्टर, तो पीटा सेमिकंडक्टर मेनली पॉजिटिव पाई दिया था ना, किंतु चार्ज कैरिज करे न्यूट्रल चार्ज, जब डॉपिंग हुए तो न्यूट्रल चार्ज कैरिंग करे, तो न्यूट्रल चार्ज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन थी। देन इन ए प्योरली दुई नंबर ए देखो, इन ए प्योरली इंडक्टिव एसी सर्किट द करंट लीड्स थिला, तो लेग्स बिहाइंड द ईएमएफ हो पाई बाय टू, तो फॉल्स फॉल्स आंसर थिला, लीड्स होबो नहीं लेग्स होबो, तो वोल्टेजटा लीड करे किंतु करंटटा लेग्स हुए, माने पछकु आसे, लेग्स दि एम एफ बै फेज बै टू बै टू, तो फल्स एटा मार आप ऑप्शन मार था लेग्स ही था, ठीक है। चलो लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन दुई, देखो दुई नंबर थे राइट डाउन द रिलेशन बिटवीन द वार्प फंक्शन एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो वार्प फंक्शन साइन नॉट इक्वल टू एच यू नॉट, एटा ला थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एटा वार्प फंक्शन, तो वार्प फंक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, बाय इक्वेशन आप लिखि पारिबे, दिस इज द रिलेशन, तो आप यहाँ लिखार थी आपको बी सी देखो, द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एंड इको पोटेंशियल सरफेस, तो इन द इको पोटेंशियल सरफेस द इलेक्ट्रिक फील्ड जानते जीरो वे सो पोटेंशियल, तो 90 डिग्री इज द एप्रोप्रिएट आंसर, तो 90 डिग्री हम एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एंड पोटेंशियल सरफेस, इको पोटेंशियल सरफेस। देखो तापर डी थिला द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर डबल, देन द एरिया ऑफ ईच प्लेट इज हाफ, व्हाट हैपेंस द कैपेसिटी इक्वल टू एप्सिलॉन ए बाय डी हो जाए, तो करियो 1/4 टाइम हो जाए, तो 1/4 टाइम कैपेसिटेंस हो जाए, डी इज द 1/4 टाइम से ही जो तम पोनीटा करियार थिला। देन सी ई स्टेट द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, एसआई यूनिट मैग्नेटिक फ्लक्स रे एसआई यूनिट, द मैग्नेटिक फ्लक्स एंड द वेबर 5b वाला वेबर तर एसआई यूनिट, व्हाट बी इंटू ए, बी है टेस्ला इंटू एरिया मीटर स्क्वायर, तो आप लिखार था डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी विंड एरिया वेक्टर से कहुए वेबर, ठीक अच्छे आप लिखार था स्टेट। देन व्हिच लॉजिक गेट इन अज यूनिवर्सल गेट, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन एथर गेट आसाला 2020 गेट फिजिक्स एग्जाम, तो व्हिच लॉजिक गेट इज नॉन यूनिवर्सल गेट, तो यूनिवर्सल गेट है नांड एंड नॉर गेट, दुईटा गेट रु सब गेट बाहरी, तो नांड एंड नॉर गेट आदि कॉलेज यूनिवर्सल गेट दुटा लिखा था आपको, ठीक है। तब देखो जी दि सेल्फ इंडक्टेंस बाय कॉलेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स, तो इनवर्सली हम ना डायरेक्टली ही था, तो डायरेक्ट जब आप पढ़ी थे।